अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। अच्छा जी, आज हम फार्म पे आए हैं। ये जो जोड़ा हमने छोड़ा था वाइट नॉग नली का, चार पट्टियाँ और एक पट्टा, तो हमारे पास एक मसला आ रहा है कि हमने ये जो दो मादियाँ अंडों पे बिठाई थी, तो बाकी भी दो मादियाँ अंडे दे रही हैं हमारे पास। तो ये मसला ये हो रहा है कि बाकी दो मादियाँ इनके पास बैठ के अंडे दे रही हैं। तो अभी हम लोगों ने ये हल निकाला है कि जो इनके नीचे हमने 15 15 16 16 अंडे रखे हैं, क्यों ना हम उन पे निशानदेही कर दें ताकि जो नया अंडा हो तो वो हम इजीली निकाल सकें। तो इसलिए इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। तो चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मुर्गी हमने उठा ली है, तो ये देखें इस तरह के हम निशान एक कोने में लगा देंगे जो पक्का निशान होगा, ताकि जो नया अंडा होगा इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी कि ये नया अंडा है, तो वो हम टाइम पे निकाल लिया करेंगे। ये जी अंडों पे निशान लग रहा है के सामने, तो ये वन बाई वन ये सब अंडों पे लगाएंगे, ताकि बाद में जो मादी भी इनके पास घुस के अंडा देगी तो हमें मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह इस मादी के साथ भी हम करेंगे कि अंडों पे जो निशान लगाने हैं। तो ये देखें बस ये निशान लगाते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये जी एक पट्टा छोड़ा हुआ है, इसका भी शौक करें माशाल्लाह। ये देखें ये तैयार हो रहा है पट्टा। ये जो पट्टा हमने ब्रीडिंग के लिए छोड़ा था उसी ब्लड लाइन में से है। ये जी बाकी दो मादियाँ और एक नर घूम रहा है, तो ये सफेद नोक नली का ब्रीडर है। उसके बाद वो जो आखिर वाली माती है ये भी अंडों पे तैयार है, तकरीबन तैयार है। तो इंशाल्लाह इसके नीचे भी रात या कल इंशाल्लाह हम अंडे रख देंगे। तो ये छोटा सा सेटअप कबूतरों का भी इनके साथ लगाया हुआ है ब्रीडिंग वाले। कंप्लीट हो गए हैं जी हमजा भाई। ये जी अंडों सब अंडों पे निशान लग गए हैं। ये देखें ये निशानदेही करने का मकसद आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो ये बस इसी तरह हम मादी इसके ऊपर बैठा देंगे। आज अंडों का तीसरा दिन है, तो बस ये फार्म पे छोटा सा मसला आया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि ये दूसरी मादियाँ बैठ के इनके साथ अंडे दे रही हैं, क्योंकि हमने उसी जो हमारे पास रूम है उसी में हमने मादियाँ भी बैठा दी हैं। तो ये अभी दूसरी मादी को भी उठा के सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखें इस मादी के साथ भी सेम होगा, इसके नीचे भी 17 अंडे हैं तकरीबन। ये बाकी मादियाँ ये देखें नीचे अंडे दे रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऊपर आके इनके साथ बैठ के अंडे दे देती हैं। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब मादी के नीचे अंडे ज़्यादा होंगे तो जो अंडे फटाए ना वो भी ख़राब होंगे, क्योंकि मादी के नीचे अंडे पूरे नहीं आएंगे, तो जो अंडे बाहर रह जाएंगे हवा लगेगी जिनको, वो अंडे भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें वन बाई वन इन्होंने अंडों को निशान लगा दिए। ये देखें लेकिन निशान पक्का लगाना है आप लोगों ने, ये वन बाई वन। तो ये निशान लगाने का कोई मसला नहीं है कि आप लोग सोचें भाई इनको फर्टिलिटी में भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सहूलत के लिए कि आपके लिए आसानी होगी, जो मादी भी इसमें घुस के अंडा डालेगी वो आप लोग फौरन उठा लेंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही इनकी ब्रीड भी आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रिजल्ट हमें कैसा मिला है। तो दुआ करें जी हमारे पास रिजल्ट अच्छा है। तो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।